बलरामपुर में एसपी आवास में तैनात सिपाही ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। 23 साल का सिपाही सोमवार रात ड्यूटी पर था। एसएलआर राइफल से उसने कनपट्टी पर गोली मार ली। ताजुब की बात यह है कि गोली मारने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। देर रात जब ड्यूटी के लिए दूसरा सिपाही पहुंचा तो वहां उसने शव पड़ा देखा। इसके बाद सुसाइड की जानकारी हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुसाइड की वजह क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। मृतक सिपाही का नाम अभिषेक यादव था। वह 2020 बैच का अभिषेक लखनऊ के गौतमी नगर गोमती नगर का रहने वाला था। सोमवार रात 12 से 3 बजे उसकी ड्यूटी एसपी आवास पर लगाई गई थी। रात में वह ड्यूटी पर पहुंचा। रात 2 बजे के करीब जब दूसरा सिपाही ड्यूटी पर पहुंचा तब वहां देखा कि अभिषेक यादव का शव पड़ा हुआ था। सिर में गोली लगी हुई थी। एसपी केशव कुमार ने बताया कि सर्विस एसएलआर उसके दोनों पैरों के बीच में फंसी हुई थी। बाईं कनपट्टी से गोली लगकर दाईं कनपट्टी से निकलकर छत पर फंसी हुई थी। पास में एसएलआर की बुलेट का खोखा भी पड़ा मिला। सुसाइड के कारणों की जाँच की जा रही है। कल रात बलरामपुर पुलिस परिवार के लिए एक अत्यंत दुखद घटना घटित हुई है। एक अभिषेक यादव नाम का कांस्टेबल था जो कैंप कार्यालय पर जिसकी ड्यूटी लगी थी उसका 12 से 3 बजे रात्रि में उसकी शिफ्ट थी। जब अगले शिफ्ट वाला जो सिपाही था उसको रिप्लेस करने के लिए आया तो उसके द्वारा सूचना दी गई कि अभिषेक जो है गोली लगी अवस्था में वहाँ पर अपने ड्यूटी पॉइंट पर है। तत्काल वहाँ पे मौके पे जाया गया तो ये देखा गया कि अभिषेक जो था इसके पाँव के बीच में जो ड्यूटी के दौरान जो एसएलआर उपलब्ध करवाई गई थी वो पाँव के बीच में फंसी हुई है और गोली जो है वो एंट्री वुंड बाएं कनपट्टी की तरफ से थी और एग्जिट वुंड जो था वो दाहिनी तरफ था। और वहाँ पे एसएलआर का एक खोखा कारतूस भी मिला और जो बुलेट थी वो छत पे फंसी हुई मिली थी। इसमें इसके घर पे जो अभी चेक किया गया है तो उसमें कुछ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस मिले हैं 2021 के, जिसमें ये पता चला है कि ये माइग्रेन की समस्या थी लगभग 1.5-2 साल से। इस बात की पुष्टि परिजनों के द्वारा भी की गई है। इसमें अन्य भी जो पहलू हैं इस पर जाँच किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया जो घटनास्थल को देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रथम दृष्टया सुसाइड कारित किया गया है। अन्य बिंदुओं पर भी गहनता से जाँच की जा रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।